स्टूडेंट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बचे हुए हैं जिनका एडमिशन अभी भी नहीं हो पाया है, तो एक बार फिर से मौका आया है आपके पास पंजाब में आयुष काउंसलिंग का। इसको आप कह सकते हैं पंजाब की सेकंड राउंड आयुष काउंसलिंग का, या फिर आप इसी को कह सकते हैं मॉप अप राउंड और फिजिकल राउंड। तो ये जो है जल्दी ही अभी आपका एक कोरिएंडम आया है जिसमें आपको देखने को मिला है कि आपके 30 तारीख यानी कि आज और आपके कल फिजिकल काउंसलिंग कराई जा रही है पंजाब में आयुष की। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट जा सकते हैं, वो भी स्टूडेंट जा सकते हैं जो क्वालिफाई स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं मिला था, या फिर जो एडमिशन नहीं ले पाए थे फर्स्ट राउंड में, और वो भी जा सकते हैं जो अनक्वालिफाइड हैं, मतलब जो नॉन एलिजिबल स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है नॉन एलिजिबल स्टूडेंट के साथ, एक कोरिएंडम यहाँ पर आया है जैसे कि आपको सामने ये दिख रहा होगा। इसको आपको डाउनलोड यहाँ पर करना है और इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आप चाहें तो जाकर एडमिशन ले सकते हैं, चाहें तो नहीं ले सकते। यहाँ पर जो कोरिएंडम है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ, अच्छी तरीके से आपको समझाए देता हूँ कि उसमें क्या शर्त इन लोगों ने रखी है, क्या चीज़ उसमें दी गई है, वो मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाई देता हूँ। फिलहाल आप भी जाकर ये पंजाब की जो काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कोरिएंडम यहाँ पर आया है। ये जो है आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो कोरिएंडम है इसमें लिखा हुआ है कि आपका 30 और 31 तारीख को आपके फिजिकल राउंड कराए जाएंगे पंजाब में, जिसमें आपको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी उन स्टूडेंट को जो कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, या फिर जो क्वालिफाई स्टूडेंट है उनको मेरिट लिस्ट के हिसाब पर आपको सभी कॉलेज जो हैं, सभी सीटें जो हों उनमें पहले उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो नॉन एलिजिबल जो स्टूडेंट है, अनक्वालिफाइड स्टूडेंट है, उनको भी मौका दिया जाएगा, उनकी भी मेरिट लिस्ट, मतलब अनक्वालिफाइड स्टूडेंट में भी तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके नंबर ज़्यादा होंगे, इनके नंबर कम होंगे, तो उसके हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन साथ ही इसमें एक बात और कही गई है कि आपका ये जो मामला है नॉन एलिजिबल कैंडिडेट को कॉलेज देने का, ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में है, हरियाणा के और आपका पंजाब वाले हाई कोर्ट में है। तो जब तक उसका अंतरिम फैसला नहीं आता, तो ये अभी फ़िलहाल एडमिशन तो ये करा रहे हैं, लेकिन उसका जो भी फैसला आएगा वो सभी स्टूडेंट के ऊपर लागू होता है। मान लीजिए अगर आप काउंसलिंग कराने गए, आप अनक्वालिफाई हैं और आपको कॉलेज मिल गया, और बाद में हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं भाई इनको नहीं दिया जा सकता कॉलेज, तो आपको सीट छोड़नी भी पड़ सकती है। आप जो भी सीट वहाँ पर लेने जाएँ, अगर आप अनक्वालिफाई हैं और आपको मिलती है सीट, तो वो आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वहाँ पर जाकर लें। यहाँ पर आपको दो बातें, यहाँ पर पंजाब की जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको दो तरीके की बातें देखने को मिल जाएंगी। ये जो कोरिएंडम मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें तो आपकी यही बात लिखी हुई है कि आपको नॉन एलिजिबल कैंडिडेट को भी पहले एलिजिबल कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, उसके बाद नॉन एलिजिबल कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पड़ा हुआ है फिजिकल काउंसलिंग के लिए, जब आप उसको खोल कर देखते हैं तो उसमें केवल केवल एलिजिबल कैंडिडेट को ही बुलाया गया है आपकी 30 और 31 तारीख को। तो दो तरीके की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपके जो भी अनक्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनसे, एलिजिबल कैंडिडेट तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, वो अगर पंजाब में ही रहने वाले हैं, दूर वाले स्टूडेंट तो कोई जा नहीं सकते अब इतनी जल्दी, जो पंजाब में रहने वाले हैं वो एक बार जाएं और वहाँ पर देख लें कि आपकी क्या क्या कंडीशन है, आपको ऑन द स्पॉट वहीं जहाँ काउंसलिंग कर ली वहीं पर भी आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आप पता चल सकती हैं, क्योंकि आप वेबसाइट पर देखेंगे तो आपका कुछ और, आपको दो तरीके की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पहले जो आपका कोरिएंडम आया है इसमें कुछ और लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट जो आया है उसमें कुछ और लिखा हुआ है। फिलहाल एडवर्टाइजमेंट भी आप एक बार डाउनलोड करके यहाँ से देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखिए ये है आपकी पंजाब की वेबसाइट, ऊपर आपको जो दिख रहा है वो आपका कोरिएंडम है, इसमें लिखा हुआ है कि नॉन एलिजिबल को भी मौका दिया जा सकता है। नीचे जो है आपका इसके कोरिएंडम के नीचे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा जिसमें केवल और केवल एलिजिबल कैंडिडेट की ही बात की गई। तो दोनों ही आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, मुझे जो समझ में आया है यहाँ पर उतना चीज़ मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे कोई और न्यूज़ मेरे पास आती है मैं तुरंत ही आपको अपडेट यहां पर करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।